नमस्ते दोस्त, आज आप लोगों को मैंने इस गाड़ी का हेड बोल्ट टॉर्क करके दिखलाया। चलिए देखते हैं दोस्त। यहाँ पर दो चार बात और बोलना चाहते हैं। हेड बोल्ट टॉर्क हम लोग क्यों करेंगे, उसका तो कुछ जरूर कारण होगा। रेंच से भी तो टाइट कर सकते, लेकिन रेंच से करने से क्या होता है, हर बोल्ट का प्रेशर सही नहीं रहता है। टॉर्क करने से क्या होता है, हर बोल्ट का प्रेशर सेम रहेगा। चल, टॉर्क रेंच जैसे बक्सा में रहता है प्लास्टिक वाला, बहुत बढ़िया। ये हम लिए थे कम से कम 15 साल पहले, उस टाइम उसका प्राइस था 4,000 रुपया का आसपास। अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन में अभी इसका प्राइस क्या है देख लीजिए। चलिए आप टॉर्क रेंच का बारे में बताते हैं दो चार बात। इसका पहले मेजरिंग क्या होता है वो देखिए। कुछ भी नट बोल्ट टाइट करेंगे तो उसमें मार्किंग रहता है कितना प्रेशर दीजिएगा। प्रेशर केजी मीटर्स में भी रहता है और फुट पाउंड का भी हिसाब में रहता है। गाड़ी में मैक्सिमम हम लोग फुट पाउंड का हिसाब पकड़ के चलेंगे, क्यों मैनुअल्स में फुट पाउंड का हिसाब दिया जाता है। तो चलिए सेटिंग्स अब दिखलाते हैं। कुछ भी नट टाइट करने का पहले उसको सेटिंग करने पड़ता है। और एक बात है, जैसे 20 पाउंड अगर हमको लगाना है तो हम पहले ही 20 पाउंड में सेट नहीं कर लेंगे, उसको पहले 16 में लगाएंगे, टॉर्क करेंगे, फिर 18 में लगाएंगे, फिर टाइट करेंगे, फिर 20 में लगाएंगे, फिर टाइट करेंगे, 3 बार में धीरे धीरे टाइट करेंगे। चलिए टाइट करना चालू करते हैं। दोस्त ये पल्सर 150 बाइक्स है, इसमें हेड बोल्ट टॉर्क 22 पाउंड्स हम लोग करेंगे। तो करने का पहले ये टॉर्क रेंच का पीछे में जो लीवर्स है उसको घुमा करके हम लोग धीरे धीरे पहले इसको 18 पाउंड में सेट करेंगे, फिर 4 बोल्ट टाइट करेंगे, फिर उसको 20 पाउंड में सेट करेंगे, फिर टाइट करेंगे 4 बोल्ट, फिर उसको घुमा करके 22 पाउंड में सेट करने के बाद फाइनल टाइट होगा और 1 बाय 1 नट हम टाइट करेंगे। नट टाइट करने का भी एक तरीका है, कैसे, कौन वाला पहले, कौन वाला सेकंड है, कौन वाला थर्ड है, कौन वाला फोर्थ है, वो भी हम दिखलाएंगे। चलिए अब घुमा करके पहले 18 पाउंड में सेट कर लेते हैं। ये जब घुमाएंगे ये जो काला वाला पार्ट्स आइटम छोटा पीछे में है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसका मुँह जहाँ पर मार्किंग में आ जाएगा मतलब उतना पाउंड सेट हो गया, ऐसे समझना है। चलिए अब हम इसको घुमा करके 18 में सेट कर लिए। दिखलाने का थोड़ा कोशिश कर रहे, मोबाइल उतना अच्छा नहीं है। टॉर्क रेंच से टाइट करने का पहले रिंग रेंच से मैंने सभी नट को पहले बैठा लेंगे, हेड बोल्ट जो चार रहता है उसको पूरा बैठा लेंगे। इसके बाद दोस्त ये नट के ऊपर मैंने सॉकेट लगाए, उसके बाद 8 इंच लंबा एक्सटेंशन लगाएंगे, उसके बाद टॉर्क रेंच लगाएंगे। ये हो गया मेरा सेटिंग। दोस्त देखिए टॉर्क रेंच में कटिंग एंगल है, ये कटिंग एंगल मेरा तरफ रहेगा, यहाँ पर एरो भी है, एरो को भी फॉलो कर सकते हैं। टाइट करने का टाइम टॉर्क रेंच में एक क्लिक साउंड होगा, साउंड होने का मतलब 18 पाउंड जो सेट किए थे वो टाइट हो गया। और टाइट होने के बाद अगर हम ओवर टाइट करेंगे तो ये नट ओवर टाइट नहीं होगा, टॉर्क रेंच फ्री घूमेगा। इसके बाद कोना कोनी पीछे वाला बायां साइड का नट टाइट होगा, इसका बाद पीछे का डायना साइड वाला नट टाइट होगा और उसका बाद आगे का बायां साइड वाला नट टाइट होगा। ऐसे ही 4 बोल्ट 18 पाउंड में मैंने टाइट कर लिए। इसके बाद फिर टॉर्क रेंच घुमा करके 20 पाउंड में मैंने सेट कर लिए, फिर पहले जैसे किए थे वैसे ही करते रहेंगे, जब तक क्लिक नहीं होगा तब तक टाइट करेंगे। दोस्त जहाँ मैंने वीडियो करते हैं यहाँ पर बहुत साउंड का प्रॉब्लम है, इसलिए पूरा एडिटिंग नहीं कर पाए। दोस्त अब करना है फाइनल टाइट। टॉर्क रेंच को मैंने 22 पाउंड्स में सेट कर लिए और पहले जैसे जैसे नट टाइट किए थे वैसे ऐसे ही सभी नट को टाइट करेंगे विथ क्लिक साउंड।
पल्सर गाड़ी का हेड में और छोटा छोटा 8 mm बोल्ट रहता है, इसको भी आप टॉर्क कर सकते हैं। टॉर्क चार्ट देख करके ये सब बोल्ट टाइट कीजिए। आज इतना ही, थैंक यू दोस्त। अगर हमारा वीडियो अच्छे लगे तो और ढेर वीडियो है, आप लोग देखते रहिए।